अल्लाह रब्बुल इज्जत का आलम इंसानियत पर जो सबसे बड़ा एहसान है और फजल है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन और शरीयत का मामला हमारी अकलों पर नहीं छोड़ा बल्कि खुद ही बनाकर उसे उतारने का अपने अंबिया के जरिए वादा फरमा लिया। जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और जमीन पर उतारा गया उसी वक्त इस हकीकत का इंकशाफ हो चुका था फइम्मा यअतीयन्नकुम मिन्नी हुदा, अब तुम्हारे पास हिदायत आएगी मेरी तरफ से। हिदायत नाम की चीज जमीन पर नहीं बनती, आसमानों पर बनती है और बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। कोई एक नुक्ता भी हमारी अकल पर नहीं छोड़ा, हमारे जहनों पर नहीं छोड़ा। अला लिल्लाह दीनुल खालिस, खबरदार अल्लाह ताला के लिए दीन खालिस है जिसमें किसी किस्म की मिलावट नाकाबले बर्दाश्त होगी। कोई एक नुक्ता भी हमारे जहनों पर नहीं छोड़ा बल्कि लिकुल जहलना मिनकुम शरअतन व मिनहाजा, सब के लिए तमाम कौमों के लिए सारी उम्मतों के लिए शरीयत और चलने का रास्ता हमने बनाया है, इसमें किसी इंसान की दखल अंदाजी काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये उसका सबसे बड़ा एहसान है आलम इंसानियत पर।